आप लोगों का GTA 5 के रोमांस से भरे हुए इस नए सफर में हम लोग आज नया स्टोरी मिशन प्ले करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग खेलने वाले हैं माइकल को लेके। और आज का मिशन हमारा रहने वाला है माइकल और उसकी फैमिली के साथ उसका जो बिहेवियर रहने वाला है उसी के ऊपर हमारा पूरा मिशन बेस रहने वाला है। तो इस मिशन के अंदर हमें काफी सारा ड्रामा, एक्शन और एडवेंचर देखने मिलने वाला है और काफी मजा आने वाली है। तो जुड़े रहना हमारे वीडियो के साथ और लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। मेरा नाम है वे सौरभ, हम करने वाले हैं हमारी गेम। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि माइकल अभी अभी बाहर से कहीं आया है और बाहर से कहीं से नहीं, हम लोग लास्ट टाइम जो थेरापिस्ट के पास गए थे उसी के पास से आ रहा है अभी। और काफ़ी सारा टाइम स्किप हुआ है और शाम का वक्त हो चुका है अभी। वैसे वो टीवी देख रहा है, पता नहीं टीवी पे क्या देख रहा है, ये चिप्स खाते हुए और बियर्ड वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है और घर का माहौल भी काफ़ी मस्त है। और ये है इसका एक नालायक बेटा जो कि अभी टीवी पे वीडियो गेम खेल रहा है और बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। तो उसे देख के माइकल ने भी टीवी का आवाज़ बढ़ा लिया है और मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में अभी कुछ बहस होने वाली है, क्योंकि माइकल गुस्से में जा रहा है। हाँ, ये गुस्से में ही है। और ये इसका बेटा तो बिल्कुल गेम में इस तरह से गिरा हुआ है कि इसे कुछ भी पता नहीं है। हेडफोन भी लगाया हुआ है इसने और आवाज़ भी स्पीकर में से भी काफ़ी तेज आ रही है। माइकल गुस्से में है और ये माइकल ने उठा के तोड़ दिया इसका टीवी। माइकल ने इसका टीवी तोड़ दिया और वो भी बड़े ही एंग्री मूड में खड़ा हो चुका है। Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Michael ko pata nahi chal raha hai ki wo kis tarah se uske bete ko daante hai aur uska beta bhi bada hi tund mizaj wala hai. Wait. I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. अरे इसका बेटा तो रोने लगा। I'm sorry. I just wish we could do things. आखिर इसका गेम खेलने का जो भी ये गैजेट था वो चला गया, क्योंकि माइकल ने बड़े ही गुस्से में टीवी तोड़ दिया जिससे कभी ये गेम्स नहीं खेल पाएगा। Bike ride then. Bike ride. अच्छा, तो कुछ बाइक राइड की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये लोग बाइक राइड करने जाने वाले हैं अभी। लेकिन इसका बेटा तो काफी एंग्री है और माइकल मुझे लगता है कि इसलिए कर रहा है ये सब के उसका उसके लड़कों के साथ जिस तरह का रिलेशनशिप है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। और अभी इसका बेटा काफी गुस्से में जाने लगा है और हमें मिशन मिल गया है, गो टू द बाइक रेंटल स्टैंड। तो जहाँ पे रेंट पे बाइक मिलती है या तो साइकिल जो भी हो वहाँ जाना है हमें। और यहाँ पे जो बाहर कार खड़ी है उसे लेके ही मैं जाने वाला हूँ। जैसे गैराज में भी एक बड़ी कार है लेकिन मैं ये कार लेके जाऊंगा। और ये दोनों मुझे लगता है कि पूरे रास्ते में लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। बिल्कुल ही एंग्री मूड में है इसका लड़का तो। और मैंने कार को ठीक से हैंडल नहीं किया और मैंने घुसा दी इसे हमले के अंदर, खंभे के अंदर। और ये रेडियो पहले बंद हो जाए यार, रेडियो काफी इरिटेट कर देता है मुझे कई बार। तो अभी माहौल तो काफी खुशनुमा हुआ लगता है सिटी का, क्योंकि अच्छी से धूप खिली हुई है, बारिश या बादल वगैरह कुछ भी नहीं है और बहुत ही मस्त लाइटिंग इफेक्ट दिखाई दे रही है मुझे अभी। और काफी मजा आने वाला है, रेंडर हुए बाद इसमें इफेक्ट काफी अच्छी आने वाली है। And who knows what they would have done if they found me, but I didn't expect or want them to get killed. Oh yaar, bahut tagdi wali cut mari hai maine. Aur yahan se main cut nahi maar paya, ek gaadi ko maine thooki diya. Mujhe thodi zyada mehnat karni hogi mere driving skill ke upar, kyunki game mein mera driving skill thoda sa bekar hai, khas karke GTA 5 mein. It's just what? Real mein itna kharab nahi hai. Acha, real mein to kaafi achhi car chala leta hu main. Yeah. हाँ, आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा जो कि थेरेपिस्ट के पास जाता है, आई बटन में लिंक मिल जाएगी और उससे पहले वाले एपिसोड की भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक भी करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि नए गेम प्ले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए। माइकल जो भी कुछ करता है उनके
उसके बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। इसी तरह की कुछ बातचीत हो रही है इन दोनों बाप बेटों के बीच में। अभी हम लोग बीच के पास पहुंच चुके हैं। यस यस, बीच के पास ही पहुंचे हैं। लेकिन ये समुंदर वाला बीच है? नहीं नहीं, वैसे समुंदर वाला बीच भी होगा यहीं आसपास ही होगा। यहाँ तो सिर्फ कार पार्क का एरिया है और यहाँ पे कुछ समुंदर का पानी आया हुआ है साइड में। वहाँ मुझे सामने समुंदर दिख रहा है। तो हम लोग समुंदर वाले बीच पे पहुँचे हैं और यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बाइक रेंटल स्टेशन होगा, यानी कि बाहर के देशों में ऐसा होता है, हमारे इंडिया में भी होता है, बड़े सिटियों में, छोटे सिटी में नहीं होता। हमारे सिटी में भी मिलती थी रेंट पे साइकिल्स, मिलती थी, बाइक तो नहीं मिलती, बाइक कोई नहीं देता क्योंकि लोग बाइक लेके चले जाते फिर वापस देने नहीं आते। सो यहाँ से बाइक ले लेनी है और शायद तो हमारा काम हो चुका है, बस साइकिल ले कर निकल लेना है। मैं कौन सी चूज करूँ, ये अच्छी लग रही है वैसे। और यहाँ पे थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दिखाए गए कि किस तरह से साइकिल चलानी है। अच्छा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रेस होने वाली है। ठीक है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है रेस का। वैसे मैं इसे जीतने तो नहीं दूंगा। वैसे इसको ब्रेक कैसे करना है, थोड़ा सा ऑकवर्ड दिया है यार, सिंपल दे देते। WSD वाला सिंपल, जिस तरह से कार चलाता हूँ ऐसा सिंपल दे दिया होता तो भी अच्छा था। और यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है, वहीं पे मुझे साइकिल चलानी है। और यहाँ पे वैसे काफ़ी खुशनुमा माहौल लग रहा है, लोग घूमने आए हुए हैं आसपास में, देख रहे लोग यहाँ पे आउटिंग करने के लिए आए हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छी जगह बनाई हुई है यहाँ पे घूमने के लिए। कभी कोई फ्री रोम करूँगा तो इस और मैं आऊँगा ज़रूर, फ्रैंकलिन को लेके, या तो अगर माइकल को लेके खेल रहा हूँ तो माइकल को लेके आ जाऊँगा, लेकिन फ्री रोम में आऊँगा। और यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक का ट्रैफिक मुझे दिखाई दे रहा है, उनसे बचाते हुए मुझे चलानी होगी साइकिल, वरना कहीं मैं इनसे टकरा ना जाऊँ। मतलब यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं बीच में बिल्कुल घूम रहे हैं। ओ, मैंने फाइनली एक लेडी को तो उड़ा ही दिया। मुझे लगा कि मैं भी गिर जाऊंगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि मैं रास्ते से भटक चुका हूं और मैं गलत दिशा में चला गया हूं। देख लूं एक बार, हाँ मैं गलत साइड पे चला गया हूं। वो यार आगे निकल जाएगा, उसकी बेट जीत जाएगा, तो मुझे उसके जो भी कुछ है वो सारे कंडीशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। क्या आवाज़ यार कहाँ से रही है, मैं बिल्कुल ही भटक चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ से शॉर्टकट मार लेते हैं, यहाँ से मैं उसे पकड़ पाऊँगा। वो काफ़ी आगे निकल चुका है, हाँ दिख गया मुझे, बहुत आगे है ये, लेकिन अभी पकड़ता हूँ मैं उसे। अब करीब आने लगा हूँ मैं उसके, शायद तो मैं उसे हरा दूंगा क्योंकि ये पाथ भी ख़त्म होने वाला है। तो काफ़ी तेज चला रहा है ये जाड़िया। अब चला गया वो पीछे और मैं फाइनली जीत गया। अब देखते हैं कि मेरे विन होने के बाद दोनों के बीच में कुछ अच्छी खासी बातचीत होती है या नहीं होती। वैसे मिशन तो अच्छा था, मजा आई, साइकिल चलाने का मौका मिला मुझे इस गेम में, बाकी तो मैं कार और बाइक ही चला रहा था अभी तक। देख लेते ये दोनों क्या बातचीत करते हैं। Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. अब इन दोनों के बीच में इसकी जो बहन है और माइकल की जो बेटी है उसके बारे में बातचीत होने लगी है कि उसे टीवी पे आना है, इसके लिए वो जैसे वैसे लोगों के साथ घूम रही है। और अभी वो बता रहा है कि वो सामने वाली यॉट पे है। तो अब करना क्या है, यॉट पे जाना होगा। और ये माइकल ने उसका शॉट निकाल दिया है, मतलब कि माइकल जंप करके तैर के जाएगा वहां तक, और मुझे ही तैरना है यार, मुझे इसे लेके प्ले करना है। तो हम चलते हैं सीधे यॉट की ओर। और वैसे मेरे पास गन वगैरह कुछ भी है नहीं, पता नहीं वहाँ पे खतरा हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। वैसे मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ, समुंदर के नीचे तो मुझे नहीं जाना है। ठीक है, मैं बटन चेक कर रहा हूँ। तो फिर से हम लोग ऊपर तक तो आ चुके हैं। और वैसे बहुत ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहने से इसकी हेल्थ कम होती है, वो मैंने अभी देख लिया है। और मुझे नेक्स्ट टाइम ये बात मेरे माइंड में रखनी होगी, वरना कहीं मैं पता चले कि मैं डूब के मर गया।
मैं सोचता रहा हूँ मिशन क्यों फेल हुआ, और बाद में मुझे पता चला कि मैं डूब गया था, इसीलिए मिशन फेल हो गया। वैसे तैरने का मजा आ रहा है और समुंदर के अंदर भी काफी मस्त डिटेलिंग ली हुई है, नजारा काफी अच्छा है। वैसे ये 2013 की गेम है, इसलिए पानी की थोड़ी बहुत इफेक्ट थोड़ी सी अलग है। अगर मैं कोई मोड यूज करूंगा तो उससे काम बन जाएगा, लेकिन अगर मैंने मोड यूज किया तो जो FPS अभी मुझे मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा बजट PC है, कोई बहुत ही हैवी तगड़े वाला गेमिंग PC नहीं है, मीडियम बजट गेमिंग PC है, इसलिए थोड़ा सा लिमिट में लेके मुझे खेलना पड़ता है। और बातों ही बातों में हम लोग योट के बिल्कुल करीब आ गए, जहाँ पे बाहर दो जेट्स की मुझे दिखाई दे गई है, और मुझे लगता है कि ये जेट्स की लेके हमें भागना होगा। पहले जाते हुए देखते क्या मांजरा चल रहा है। यहाँ पे किसी तरह की छोटी सी पार्टी हो रही है, और ये जो लड़की डांस कर रही है वही माइकल की हो सकती है। हाँ, यही लड़की माइकल की लड़की है। Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Hey, cool, man. Michael अब उसकी बेटी को लेकर जा रहा है, और एक बंदा उठ के इसके खिलाफ होने गया, लेकिन माइकल के सामने इसकी कुछ चल नहीं पाई, क्योंकि वो जानता नहीं है कि माइकल कौन है। एक बड़ा गैंगस्टर रह चुका है, अभी वैसे आउट ऑफ बिजनेस है, लेकिन फिर से ये बिजनेस में आने वाला है, और ये यॉट का जो भी मालिक होगा शायद वही आ चुका है, और मुझे लगता है कि ये लोग इसका पीछा करने वाले हैं। एक जेट की तो मुझे मिल गई, और ये दोनों हम मेरे पीछे लग गए हैं, सो अभी मुझे इनसे पीछा छुड़ाना है, किसी तरह से इनसे पीछा छुड़ाना होगा। और देखते जेट्स की चलाने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन इतना यूज टू नहीं हूँ मैं इसे चलाने में। ओ, वो लोग फायर करने वाले हैं, ऐसा? अच्छा, हाँ, फायर कर भी रहे हैं। मेरे पास तो ऐसे गन है नहीं, मैं किस तरह से फायर करूंगा, तो बचना ही एक रास्ता है। ओ भाई यार, कहा मैंने शादी? और ये दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच में, लेकिन मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है कि किसी तरह से बच जाऊं इन लोगों से, वरना तो अगर उनके हत्या चल गया तो पूरा जो यहाँ तक खेला हुआ है सारा का सारा फेल हो जाएगा, मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि यही मेन इवेंट है मिशन को कंप्लीट करने के लिए, इसकी बेटी को लेके यहाँ से सेफली निकल जाना। हो सकता है शायद दूसरा भी एंडिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है यार। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे बाहर निकलने का रास्ता है ऐसा इसका कहना है, और वो लोग भी काफ़ी नज़दीक है। ओ भाई यार, कितना करीब से निकला है वो बोट वाला। इस ओर मैं मुड़ा लेता हूँ मेरी जेट्सकी को। अच्छा, वो लोग बहुत पीछे रह चुके हैं, बहुत पीछे रह गए, और शायद उन लोगों को, हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया, उन लोगों से बचना था, हम लोग बच चुके हैं। अभी जाना कहाँ है, क्योंकि अच्छा जो मुझे मैप पे दिख रहा है बैक, हमें फिर से बैक होना होगा। और इसकी लड़की इसके ऊपर काफी एंग्री हो गई है, क्योंकि ये इन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, इसीलिए बच्चे एंग्री हो गए। वैसे बाहर का कल्चर हमारे इंडिया की तरह नहीं होता, बहुत अलग होता है। इधर से रास्ता शॉर्टकट है, और इधर से मैं जाता हूँ सीधा जहाँ पे इसका लड़का खड़ा हुआ है, और वहाँ पे जाके पता चलेगा कि इन लोगों के बीच में किस तरह की अब बहस होने वाली है, या तो गेट टुगेदर होने वाला है, क्या होने वाला है बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारो यार, और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। काफ़ी अच्छे अच्छे गेम प्ले के वीडियो आगे भी आने वाले हैं, और अभी भी आ ही रहे। ओ यार, जेट्स की चलाने का मज़ा काफ़ी आ रहा है मुझे। और यही एम्यूजमेंट पार्क है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा, आई बटन में कहीं पे लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर देखना। फ्रैंकलिन को लेकर हम लोग यहाँ पे आए थे, काफ़ी फन किया था, और एक कार भी चोरी की थी जो कि अभी भी फ्रैंकलिन के पास है, और ये दोनों यहाँ पे आके फाइट करने लगे एक दूसरे के साथ, और इसके बेटे ने सब कुछ कह दिया कि उसने मेरा TV तोड़ डाला और पूरी कहानी बता दी। तो अब ये मिशन खत्म होने वाला है, इनका फैमिली ड्रामा खत्म होने वाला है, या तो और भी बढ़ने वाला है आने वाले वक्त में, वो तो हम बाद में ही देखेंगे।
मिलने वाले हम लोग अब नेक्स्ट मिशन के अंदर आप लोगों से। तब तक के लिए बाय।